got these shoes right here. I'd have one more chance. मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक टीनेज लड़का जिसका नाम कैल्विन कैम्ब्रिज है, वो चेस्टरफील्ड ऑर्फनेज में अपने दो बेस्ट फ्रेंड मॉर्फ और रैक के साथ रहता है। उन तीनों को बास्केटबॉल खेलना बहुत ही पसंद है। अब एक दिन जब वो बास्केटबॉल खेल रहे होते हैं तो उधर पुलिस ग्रुप आ जाता है जिनका लीडर ऑक्स है। ऑक्स कैल्विन से बास्केटबॉल जर्सी के लिए बास्केटबॉल में चैलेंज करता है, जबकि ये देखकर कैल्विन के दोस्त मना करते हैं, लेकिन कैल्विन का बास्केटबॉल फेवरेट गेम होता है इसलिए वो चैलेंज मान जाता है। अब जैसे मैच शुरू होता है ऑक्स इजीली जीत जाता है क्योंकि उसकी हाइट उससे काफी लंबी होती है। अब शर्त के मुताबिक कैल्विन अपनी जर्सी ऑक्स को देता है। ऑक्स कैल्विन को चिढ़ाने के लिए उसकी जर्सी बीच से फाड़ देता है। यहाँ ऑर्फनेज का डायरेक्टर स्टैन बिडलमैन अपने फायदे के लिए बच्चों से कैंडी बिकवाता है। उसी रात वो लोग लॉस एंजलस नाइट्स के घरेलू खेल में जाते हैं और बाहर कैंडीज बेचते हैं। गेम खत्म होने के बाद कैल्विन नाइट्स के कोच वेगर जैनी को देखता है जो गाड़ी से जाने वाले होते हैं। कैल्विन उससे मिलता है और उसको कुछ कैंडीज देता है। जब उसको पता चलता है कि ये चैरिटी मांग रहे हैं तो वो कैल्विन को $20 देता है, लेकिन कैल्विन लेने से मना कर देता है क्योंकि उसे पक्का मालूम नहीं होता कि ये पैसे चैरिटी के लिए इस्तेमाल किए भी जाएंगे या नहीं। वेगर कैल्विन की ईमानदारी को देखकर बड़ा ही खुश होता है और उसको नेक्स्ट मैच की 4 टिकट्स भी देता है। कैल्विन बहुत ही खुश होता है और दौड़कर मॉर्फ को टिकट्स के बारे में बता देता है। अब अगले दिन एक कपल बच्चे को अडॉप्ट करने आते हैं। कैल्विन को उम्मीद होती है कि वो उसको अडॉप्ट करेंगे, लेकिन उसे बाद में समझ आता है कि पेरेंट्स छोटे बच्चों को अडॉप्ट करते हैं। बाद में उसको एक डब्बा दिया जाता है जिसमें कुछ दान किए गए कपड़े होते हैं। अब कैल्विन के हाथों में जूतों का एक जोड़ा आता है, फिर कैल्विन उसको पहनता है। कैल्विन नन से इन जूतों के बारे में पूछता है तो वो कहती है कि ये फेमस बास्केटबॉल प्लेयर के जूते हैं। जब कैल्विन चेक करता है तो उसे पता चलता है कि ये जूते माइकल बी जॉर्डन के हैं। ऑक्स को ये देखकर बहुत ही जलन होती है। ऑक्स कैल्विन से वो जूते लेता है और दोनों को एक साथ बांध के हवा में फेंक देता है। अब ये देखकर कैल्विन बहुत ही निराश हो जाता है क्योंकि जूते केबल की तार पर अटके होते हैं। उस रात को बहुत तूफान चल रहा होता है और जब सारे सो रहे होते हैं तो कैल्विन मॉर्फ और रैक को उठाकर केबल तार से जूते लेने जाता है। वो तीनों इतने तूफान में जूते लेने जाते हैं। कैल्विन किसी तरह केबल के साथ वाले पेड़ पर चढ़ जाता है और जूतों तक पहुंच जाता है, लेकिन वैसे ही बिजली चमकती है और कैल्विन जूतों के साथ नीचे गिर जाता है, लेकिन शुक्र है कि उसको ज्यादा चोट नहीं लगती। कैल्विन देखता है कि जूते थोड़े बदल जाते हैं, लेकिन वो उसके बारे में ज्यादा नहीं सोचता। उसी दिन सारे बच्चे फिर से एरेना में जाकर कैंडीज बेचते हैं। कैल्विन मॉर्फ और रैक को टिकट्स मिल जाती है जैसा कि कोच वेगर ने प्रॉमिस किया था। अब ये देखकर ऑक्स और उसके साथियों को काफी जलन होती है। ऑक्स मिडिलमैन को धमकी देता है कि वो चैरिटी के पैसों से टिकट खरीदेगा, लेकिन कैल्विन कोई मुसीबत नहीं खड़ी करना चाहता था इसलिए वो ऑक्स को एक टिकट दे देता है। वो चारों खेल का आनंद ले रहे होते हैं जिसमें द नाइट्स और द मिनेस्टर टिम्बरवॉल्स टीम्स खेल रही होती है। आधे टाइम बाद टीम का सबसे चहेता प्लेयर ट्रेसी रेनॉल्ड्स और एक कोच उसमें पार्ट लेते हैं। अब हाफ टाइम शो में ऑडियंस में से किसी मेंबर को बुलाया जाता है। ऑडियंस में से एक इंसान को ट्रेसी के साथ खेलने का मौका मिलता है और इसमें कैल्विन का टिकट नंबर सिलेक्ट हो जाता है। ऑक्स को जब ये बात पता चलती है तो वो कैल्विन से टिकट छीनने की कोशिश करता है, लेकिन कैल्विन किसी तरह टिकट लेकर उनके पास पहुंच जाता है। ट्रेसी इस फेस ऑफ के बारे में ज्यादा नहीं सोचता क्योंकि कैल्विन बच्चा है। ट्रेसी कैल्विन को फर्स्ट राउंड में जीतने देता है ताकि ऑडियंस की दिलचस्पी बनी रहे, लेकिन बाद में ट्रेसी कैल्विन को रोक नहीं पाता और कैल्विन सभी लोगों को अपने जोरदार तरीके से शॉक करता है और सभी लोग चीयर्स करते हैं, जबकि स्टार प्लेयर शर्मिंदा होकर खड़ा रहता है। उसी दिन नाइट टीम का कोच बिडलमैन से मिलने जाता है और कैल्विन को एक दिन खेलने के लिए पूछता है। पहले तो डायरेक्टर संकोच करता है, लेकिन बाद में जब उसको पैसे ऑफर किए जाते हैं तो वो मान जाता है। अब कैल्विन के दोस्त उसके लिए काफी खुश होते हैं। ऑक्स बहुत ही गुस्से में होता है और सोचता है कि जूते मिलने से पहले कैल्विन मुझसे नहीं जीत पाता था और अब सभी को हरा रहा है। बच्चों को लगता है कि जूते में कुछ जादू है इसलिए वो सोचते हैं कि इसे एक सीक्रेट ही रखेंगे और किसी को नहीं बताएंगे, लेकिन ऑक्स उनकी सारी बातें सुन लेता है। उसी दिन कैल्विन नाइट चेंजिंग रूम में जाता है और ट्रेसी ये देखकर चिढ़ जाता है। टीम के मेंबर्स ट्रेसी को खुद को बांधने के लिए कहते हैं क्योंकि बच्चा उसकी जगह लेने आ रहा है। कोच कैल्विन को टीम की जर्सी और नए जूते देता है। कैल्विन कोच से पूछता है कि क्या वो अपने पुराने शूज यूज कर सकता है, पर कोच को उसके कपड़ों की कोई परवाह नहीं होती। कैल्विन को वहाँ स्टंट के लिए लिया जाता है इससे उसका खेलना ज्यादा मैटर नहीं करता। कैल्विन के लास्ट मैच के बाद उसकी पॉपुलैरिटी बहुत ही तेजी से बढ़ रही होती है जिसकी वजह से एरेना ऑडियंस की तादाद भी बढ़ जाती है। कैल्विन फर्स्ट हाफ में नहीं खेलता, लेकिन जब उसकी टीम हारने वाली होती है तो कैल्विन कोच को एक मौका देने के लिए कहता है और कोच मान भी जाता है। कैल्विन ने अपने लकी जूते नहीं पहने होते हैं इसलिए उसको थोड़ी घबराहट होती है, इसलिए वो टाइम आउट करके अपने लॉकर रूम की तरफ भागता है।
और अपने पुराने जूते पहन लेता है। अब वापस आने के बाद कैल्विन बहुत आत्मविश्वास के साथ खेलता है। कैल्विन टीम को जिताने में पूरी हेल्प करता है और टीम जीत भी जाती है। मैच के बाद कैल्विन टीम के साथ पूरे टूर्नामेंट में खेलने का कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है। कैल्विन अपने ऑन फ्रेज में जाता है और जाने के लिए सामान पैक करने लगता है। वैसे ही बिडलमैन वहाँ आता है और वो उसका गार्डियन बनकर रहना चाहता है ताकि उसको फाइनेंशियल बेनिफिट्स होता रहे। बिडलमैन कैल्विन को लोगों से बचाने के लिए कहता है जो उसको अडॉप्ट करना चाहते हैं, क्योंकि वो लोग उसको पैसों के लिए अडॉप्ट करना चाहेंगे। कोच ट्रेसी और कैल्विन को एक ही रूम देता है। कैल्विन काफी खुश होता है कि वो अपने आइडल के साथ रूम शेयर करेगा, लेकिन ट्रेसी खुश नहीं होता। रात को उन दोनों को बाहर जाने के लिए मना किया जाता है, लेकिन ट्रेसी नहीं मानता और अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने चला जाता है। अब जाने से पहले ट्रेसी कैल्विन को रूम सर्विस यूज करने के बारे में बता देता है। कैल्विन जो चाहे वो ऑर्डर कर सकता है और कैल्विन इस बात का पूरा फायदा उठाते हुए मजे करता है। जब ट्रेसी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ वापस आता है तो देखता है पूरा रूम आधे खाए गए खाने से भरा पड़ा है। ट्रेसी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रात गुजारना चाहता था, लेकिन आखिर में कैल्विन की देखभाल करता है। कैल्विन बीमार हो जाता है और लेट सोने जाता है। अब अगले दिन उनका एक इम्पोर्टेंट मैच होता है, लेकिन ट्रेसी बहुत ही थका हुआ होता है। कैल्विन कोच को बता देता है कि वो लोग रात को देर तक जागे थे। अब कोच ट्रेसी को वार्निंग देता है कि अगर उसने फिर से एक बार ऐसा किया तो उसको सस्पेंड कर दिया जाएगा। अब उसी दिन से कैल्विन नाइट टीम के साथ काफी मैच खेलता है और उनको जीतने में मदद करता है। अपोनेंट टीम को समझ नहीं आता कि वो बच्चे के साथ क्या खेलेंगे, लेकिन कैल्विन की स्किल्स को देखकर वो बिल्कुल ही हैरान हो जाते हैं। कैल्विन काफी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से उसको काफी पैसे भी मिलते हैं। कैल्विन उन पैसों से ऑर्फ्रेज के सभी बच्चों के लिए गिफ्ट लेकर आता है। कैल्विन NBA स्लम डंक कॉम्पिटिशन में जीत जाता है और सबसे फेमस टैलेंटेड बास्केटबॉल स्टार बन जाता है। एक रात कैल्विन मार्व से अपनी नई जिंदगी और NBA में खेलते वक्त जो मजा आया उसकी बात कर रहा होता है। ऑक्स उनकी बातें सुनकर चरण महसूस करता है और वो आकर कैल्विन पर अटैक करता है और कैल्विन के जूते छीनने की कोशिश करता है। बिडलमैन आता है और उनकी लड़ाई को रोक देता है। फिर बिडलमैन ऑक्स को उसको तंग करने के लिए डांट देता है। अब बिडलमैन नहीं चाहता कि कोई कैल्विन को तंग करे, क्योंकि वो उसके लिए ज्यादा पैसे कमा रहा है। अगला सीन में हम देखते हैं कि टीम एक होटल में है। ट्रेसी मेडिसिन शॉप में नींद की दवाई देने जाता है ताकि वो रात को ढंग से सो सके। अब कैल्विन ट्रेसी के साथ राइड किया जाता है, लेकिन ट्रेसी उससे चिढ़ जाता है। रास्ते में कैल्विन ट्रेसी से उसके पेरेंट्स के बारे में पूछता है। उसे पता चलता है कि ट्रेसी के सिर्फ पापा हैं जो उससे बात नहीं करते। कैल्विन सोचता है कि वो अच्छे पेरेंट्स पाने के लिए कुछ भी करेगा। अब ट्रेसी बताता है कि वो फैमिली के बारे में बात नहीं करना चाहता और गाड़ी चलाता रहता है, और ट्रेसी तब भी ध्यान नहीं देता जब कैशियर उसको बिल पकड़ाता है। ट्रेसी एलर्जी पिल्स की जगह गलती से स्लीपिंग पिल्स खा लेता है, जिसकी वजह से ट्रेसी गाड़ी चलाते चलाते ही सो जाता है। कैल्विन को लगता है कि अगर उन्होंने कर्फ्यू मिस कर दिया तो ट्रेसी को सस्पेंड कर दिया जाएगा, इसलिए कैल्विन खुद ही गाड़ी चलाने लगता है और रास्ते में गाड़ी बहुत बार टकरा भी जाती है। अगला दिन कैल्विन को बाहर घूमने की वजह से सस्पेंड कर दिया जाता है। अब ट्रेसी को काफी बुरा लगता है, क्योंकि उसकी गलती की वजह से कैल्विन को सजा मिलती है। रात को जब वो फ्लाइट पर होते हैं तो ट्रेसी कैल्विन को थैंक्स बोलता है उसको बचाने के लिए। ट्रेसी कैल्विन के साथ थोड़ा वक्त बिताने के बाद उसको बहुत पसंद करने लगता है। जब कैल्विन वापस ऑर्फनेज आता है तो उसको काफी लोग अडॉप्ट करने आते हैं, जिसको देखकर मॉर्फ को जलन होने लगती है। यहाँ तक कि बिडलमैन भी नहीं चाहता कि कैल्विन को कोई अडॉप्ट करे। बिडलमैन कैल्विन के लिए सबसे खराब पेरेंट्स ढूंढता है और उसके साथ मीटिंग करता है। कैल्विन को कोई भी पेरेंट पसंद नहीं आता, इसलिए कैल्विन ऑर्फनेज में रहने का फैसला करता है। अब उस वीकेंड के बाद कैल्विन ट्रेसी से मिलने उसके घर जाता है और कैल्विन ट्रेसी का घर देखकर बहुत ही हैरान हो जाता है। ट्रेसी कैल्विन से यहाँ आने का कारण पूछता है। कैल्विन मॉर्फ के बारे में सब कुछ बताता है और कहता है कि वो मॉर्फ के कल के जेनेटिक टेस्ट के लिए परेशान है। ट्रेसी उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उन दोनों को घर पर बुलाता है। ट्रेसी उन दोनों को मजाक के तरीके से जेनेटिक सिखा रहा होता है ताकि वो बोर ना हो। अब इसके बीच में वो दोनों एक दूसरे के ऊपर कलर फेंकना शुरू कर देते हैं। मॉर्फ उनको थोड़ी देर में ज्वाइन कर लेता है और कैल्विन के साथ अपना झगड़ा भूल जाता है। उसी दिन कैल्विन और उसके दोस्त बात कर रहे होते हैं कि अच्छे पेरेंट्स मिलना कितना मुश्किल है। अब अगले दिन कैल्विन ट्रेसी के पापा से मिलता है और उनको ट्रेसी के घर लेकर आता है। अब ये देखकर ट्रेसी कैल्विन पर भड़क जाता है और कैल्विन को उसकी प्राइवेट लाइफ में इंटरफेयर करने के लिए मना करता है और उन दोनों के बीच झगड़ा खत्म नहीं होता। अगले दिन उनका मैच सबसे बड़ी अपोनेंट टीम टोरंटो रैप्टर्स के साथ होता है, लेकिन कैल्विन और ट्रेसी की लड़ाई की वजह से टीम हार जाती है और कोच पूरी टीम को डांटता है, क्योंकि इतने इम्पोर्टेंट गेम को उन्होंने खराब कर दिया है। अब उनके पास सिर्फ एक मैच बचा होता है, जिससे डिसाइड होगा कि प्लेऑफ में कौन जाएगा। अब अगले दिन एक कपल ऑर्फनेज आता है और कैल्विन को अडॉप्ट करने की कोशिश करता है। फिर बिडलमैन आता है और वो कैल्विन को नए जूते पहनने को कहता है। अगर वो अच्छा बनकर उनसे मिलने जाएगा तो वो उसको अडॉप्ट कर सकते हैं। जाने से पहले कैल्विन मॉर्फ को अपने पुराने जूते देकर जाता है और उनको संभालने के लिए कहता है। मॉर्फ उन जूतों को टेस्ट करने के लिए उनको पहनता है और कैल्विन की तरह खेलने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसको नहीं पहन पाता और अपनी माँ की फोटो के साथ बातें करता रहता है। फिर ऑक्स और उसके दोस्त मॉर्फ को
धमकाते हैं और जूतों के बारे में पूछते हैं, लेकिन जब मॉर्फ मना कर देता है तो वो उसे बिडलमैन के पास लेके जाते हैं और बिडलमैन उसकी मम्मी की इकलौती फोटो को जलाने लगता है। मॉर्फ के पास कोई और चारा नहीं होता और वो बता देता है कि शूज कहाँ रखे हैं। बिडलमैन अपने साथियों के साथ मिलता है और नाइट स्टेम के खिलाफ $100,000 की शर्त लगाता है, क्योंकि उसने कैल्विन के लकी शूज छुपा दिए होते हैं जिससे कैल्विन ढंग से खेल नहीं पाएगा। अब कैल्विन अपने पोटेंशियल पेरेंट्स के साथ डिनर पर जाता है, बट वो उनकी फैमिली में फिट नहीं बैठता। इसी दौरान ट्रेसी अपने पापा से मिलता है और उनके साथ सुलह करता है। ट्रेसी कैल्विन को बहुत ही ज्यादा याद करता है और मैक्स से पहले कैल्विन से बात करता है कि वो एक बच्चा अडॉप्ट करना चाहता है, लेकिन फिर वो ये बात नहीं कहता। मैच शुरू होने के 20 मिनट पहले मॉर्फ कैल्विन को कॉल करता है और उसके जूतों के बारे में बताता है। कैल्विन जूतों को लाने के लिए जल्दी से ऑरफनेज की तरफ भागता है। बच्चे बिडलमैन को बांधने में कैल्विन की मदद करते हैं और उसे जूतों के बारे में पूछते हैं, लेकिन ऑक्स उनके खिलाफ जाता है और बिडलमैन की हेल्प करता है, लेकिन बिडलमैन ऑक्स की पहले की तरह बेइज्जती करता है जिसकी वजह से ऑक्स अपना मन बदल देता है और कैल्विन को उसके जूते वापस कर देता है। कैल्विन और बाकी सब अपने स्कूटर्स पर मैच की तरफ वापस जाते हैं। बिडलमैन किसी तरह खुद को आजाद करते ही अपने साथियों को कॉल करता है और कैल्विन को रोकने की कोशिश करता है। वो लोग कैल्विन को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन कैल्विन और उसके साथी किसी तरह जूते लेकर वहां से भाग जाते हैं। अब आगे जाकर लास्ट में बिडलमैन कैल्विन को आगे जाने से रोकने के लिए खड़ा होता है, लेकिन बच्चे अपने स्कूटर्स के साथ वहां से निकल जाते हैं और फाइनली मैच में पहुंच जाते हैं। कैल्विन के आने से पहले टीम बहुत पीछे होती है। जैसे कैल्विन खेलना शुरू करता है वो अपोनेंट टीम के स्कोर के साथ मिल जाते हैं। हालांकि कैल्विन को काफी लोगों ने घेरने की कोशिश की होती है जिसकी वजह से कैल्विन के जूते टूट जाते हैं। अब कैल्विन काफी ज्यादा बेचैन हो जाता है कि उसके मैजिक शूज टूट गए हैं, वो अच्छे से स्कोर नहीं कर पाएगा। ट्रेसी कैल्विन को मोटिवेट करता है और कहता है कि जूते सिर्फ उसको आत्मविश्वास देते हैं, लेकिन असली टैलेंट उसके अंदर है। आखिरकार कैल्विन गेम खेलना शुरू करता है और अपनी टीम को जिताने में मदद करता है। बाद में कैल्विन अपना बाकी बचपन एक नॉर्मल बच्चे की तरह बताता है, इसलिए वह कोच का कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करने के लिए मना कर देता है। अब कैल्विन वापस ऑर्फनेज जाता है और ऑर्फनेज मैन के जाने के बाद बिल्कुल बदल गया है। ट्रेसी कैल्विन को बच्चा अडॉप्ट करने के प्लान के बारे में बताता है और उससे पूछता है कि क्या वो उसका बेटा बनेगा। कैल्विन मान जाता है और मॉर्फ को भी अपने साथ लेने को कहता है और उनके दोस्त रैक को भी किसी और फैमिली ने अडॉप्ट कर लिया था। अब आखिर में हम देखते हैं कि कैल्विन और मॉर्फ ट्रेसी के साथ अपने नए रूम में खेल रहे होते हैं। दोस्तों हम देखते हैं कि किस तरह एक नॉर्मल बच्चे की जिंदगी कैसे बदल जाती है। जिस तरह कैल्विन को लगता है कि जूतों में मैजिक है जिसकी वजह से वो जीत रहा है, लेकिन वो ये नहीं जानता कि वो अपनी मेहनत और लगन की वजह से जीत रहा है। ऐसे ही दोस्तों हमें खुद पे आत्मविश्वास होना चाहिए। अगर किसी चीज को पाने की लगन होगी तो कोई भी मुश्किल आ जाए हम उसको पा ही लेते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये मूवी पसंद आई होगी। अपने कमेंट्स हमको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ गई हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।